में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर बहस और विवाद के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का एक समूह है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू जीवन शैली में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य, राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता और गुरु के प्रति कर्तव्य, गरीबों की देखभाल और कई अन्य कर्तव्य शामिल है। न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने कहा, अदालत सनातन धर्म के पक्ष और विपक्ष में बहुत मुखर है, साथ ही समय समय पर होने वाले शोर शराबों वाली बहस के प्रति सचेत है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर वास्तविक चिंता के साथ अदालत विचार करने से खुद को नहीं रोक सकती। अदालत ने यह भी कहा कि स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 51A के तहत यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करे। इसलिए अब सनातन धर्म के भीतर या बाहर छुआछूत नहीं हो सकती। अदालत ने याचिकाकर्ताओं एल्गोवन की ओर से दलीलों का हवाला दिया और जोर देते हुए कहा कि कहीं भी सनातन धर्म न तो अस्पृश्यता को मंजूरी देता है और न ही इसे बढ़ावा देता है और यह केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों पर सभी के साथ समान व्यवहार करने पर जोर देता है। बता दें कि बीते दिनों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि ऐसी चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इनका विनाश कर देना चाहिए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज।